कोरोना संक्रमण थी शहर ने बचावा फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन आज 200 कापड़ मार्केट और 80,000 कापड़ना वेपारी वती मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कलेक्टर डॉक्टर धवल पटेल और पालिका कमिश्नर पानी ने पत्र लखी कोरोना संक्रमण की स्थिति में कोरोना की चेन ब्रेक करने 7 दिवस स्वैच्छिक लॉकडाउन लागू करने की मांग करी। तो सामे कांग्रेसे फोस्टा पर सवाल उठाता कहूं कि श्रमिक और गरीबों माटे फोस्टाए कशु कर्यु नथी, फोस्टा सरकार ने सारू लगाड़वामां आवी रह्युं छे। वधुमां तेमणे कह्युं कि फोस्टा सरकार की चापलूसी करवानुं बंद करे। लॉकडाउन लगाने से बिल्कुल दूरी बनाए रख रही है, लेकिन फोस्टा जाने पूरे सूरत की ठेकेदारी करने बैठा है। सरकार को, भाजपा जनता पार्टी सरकार को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए हमेशा लॉकडाउन के भेद करता है। हर शनि रवि 2 दिन बंद रखने का पहले ऐलान कर चुके हैं और इतना कम था। सरकार लॉकडाउन लगाने से दूरी बना रही है और फोस्टा इतना अपील करती है कि कम से कम 8 दिन 10 दिन का लॉकडाउन सूरत शहर में लगना चाहिए। आज लाखों व्यापारी ये लॉकडाउन की वजह से सूरत छोड़ के चले जाएंगे। कि 7 दिन के लिए टेक्सटाइल मार्केट को बंद किया जाए और अगले 7 दिन के लिए ऑड इवन रखा जाए, लेकिन हमें लगा कि टेक्सटाइल मार्केट के पिछले शनिवार रविवार बंद करने से भी संक्रमण जो केस बढ़ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अतः आज हमने आदरणीय मुख्यमंत्री रूपाणी साहब से अपील की है कि आप पूरे सूरत को 7 दिन के लिए लॉकडाउन करते हैं तो हम आपके इस जो भी आप निर्णय लेते हैं उसका हम स्वागत करेंगे। राजकोट